बताओ, लगता है मुसीबत आ रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। बच्चों क्या हो रहा है ग्रैंडपा? मुझे कुछ दिखा जिसे करीब से देखना पड़ेगा। तुम्हारी वॉच तो तैयार है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हें दिख रहे हैं ग्वेन? वाओ, बिल्कुल दिख रहे हैं। आगे से मुड़ेंगे तो उन तक पहुँच पाएंगे। ग्रैंडपा! देखा हूँ। ओके बेन, काम पे लगो। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें पूरा पावर नहीं है। ये बचपना कब छोड़ोगे? अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, तुम यही रुको। हाँ? बेन ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना? क्या हुआ उसका? उससे हम ड्रोन्स तक पहुँच पाएंगे। वो तुमने ग्लाइडर बनाया? हाँ। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें कैसे पता ये काम करेगा? अभी पता चल जाएगा, झुक जाइए। बहुत बढ़िया, अब वो मुझे हमेशा ताने मारेगी। अब मैं इन सब की छुट्टी कर दूंगी। वाओ, ग्वेन वाकई उन पर भारी पड़ रही है। तुम्हें अब एक फाइटिंग पार्टनर मिल गई है बेन। अब होंगे मेरे सारे सपने सच। सुपर हीरो बनना कितना कूल होता है, सारा मजा पहले क्यों ले? ओ, ये तो मुसीबत में है। कम ऑन ओमनीट्रिक्स, चार्ज हो जाओ। अरे वाह, ओ ये बेन, ग्वेन की मदद करो। ओ या, ये ग्वेन के छोटे से ग्लाइडर को हरा देगा। अब करते हैं इन डोनट्स को फ्राई। ग्वेन का ग्लाइडर ये कभी नहीं कर पाता। वो इन डोनट्स में लेजर से ये तो बड़ी जल्दी सीख गए। ठीक है चलो टेस्ट करते हैं। तो ये है एरोडाइन मैजिक मेजिक। ओह, ये फिर से आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया ग्वेन। ओह, एक वुडपेकर। या जानता हूँ, सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में था। अच्छा, कौन सा हिस्सा? जब तुमने मेरा ग्लाइडर लगभग जला दिया या फिर तुम बुरी तरह गिरने वाले थे? एक मिनट, तुम्हारी वजह से मुझसे ये संभल नहीं रहा। तो तुमने मुझे बचाया ही क्यों? काश मैंने किसी और प्लेन में फ्लाइट बुक की होती, सीट तो मिलती। अगर तुमने पायलट को परेशान किया तो यही गिरा दूंगी। ध्यान से। हम हॉट स्प्रिंग्स जा रहे हैं, फैसला हो गया। हीरोज को भी रिलैक्स करना पड़ता है। ये क्या था? ये मैं नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल के बाहर है। एक्शन! लगता है जैसे कोई ऊपर खींच रहा है। यस, आखिरकार मुझे हीरो बनने का मौका मिल ही गया। हमें साथ रहकर पहले जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। सॉरी, तुम लोगों के पास एक तकरीबन समझने का कोई हुनर नहीं है। वो चीज मैंने पहले भी कहीं देखी है। ये तो मिल्टियास की शिप है। लगता है अब मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो इतनी जल्दी नहीं। हे, छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मेरी प्यारी गाड़ी अब हिल नहीं रही, इस बीम ने चक्का जाम कर दिया है। ये शायद विलकैक्स की शिप है, इसमें ड्रोन्स भरे हुए हैं। इस ट्रैक्टर बीम के कंट्रोल्स ढूंढने हैं तो उन्हें पार करने का कोई रास्ता सोचना होगा। अगर बेन होता तो वो इनका ध्यान जरूर बटा सकता था। लगता है वो यही कर रहा है। अपने गंदे कामों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो विलकैक्स। हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया। ज़ोंबोज़ो, ये तुमने क्या पहना है? इतने सारे बटन्स, ग्रैंडपा ने डीएक्टिवेट कैसे करें? वेल, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। बिल्कुल, इसे मशीन के अंदर डालो। मुझे डीएनए सॉफ्टवेयर की कोडिंग खत्म करनी है। अभी करता हूँ बिग बी। हो जाए थोड़ा सा एक्शन।
ऊपर जा रहा हूँ। मेरी छड़ी याद है, करीब से देखना चाहोगे? करीब करीब तैयार है, इसे फौरन डीएनए एक्सट्रैक्टर में ले आओ। अभी कर रहा हूँ दोस्त। डीएनए मशीन 100% पर है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक ओमनीट्रिक्स सैंडविच तैयार है, तो हाजिर है। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। ध्यान से हट जाओ मेरे रास्ते से। जोकर, मैं मशीन को सिंक करता हूँ, तब तक इसे अंदर ले आओ। वाओ, सर ये देखो। जहाँ तक मुझे लगता है ये एक टारगेट है, तुम्हें शायद पीछे हटना चाहिए ग्वेन। मुझे भी खिसक लेना चाहिए। वो जो भी चीज थी हमने उसे तबाह कर दिया। लेकिन ट्रैक्टर बीम अभी तक बंद नहीं हुआ। कम से कम किसी का ध्यान तो गया। ओ, ये अब तक वारंटी में है ना? खामोश। ज्यादा चोट लग गई। फौरन सबसे डॉज करने में लाइन नहीं होता, मतलब तुम वाकई ढीले हो। संबोजो भी तुमसे बेहतर कर रहा था। थक रहे हो है ना? बेकार जोकर, बहुत हो गया। मेन जनरेटर खराब हो गया। हाँ, अब कौन शिप तबाह कर रहा है? पूरा सिस्टम बंद होने से रोकने के लिए फुल मैनुअल ओवरड्राइव जरूरी है। क्या किया तुमने मेरी शिप? तुम ऐसे ही बिजी रहो, मैं देखता हूँ तुम्हारे ड्रोन्स का काम तमाम हुआ या नहीं। शिप के लिए गुड लक। नहीं, वापस आ जाओ। नहीं, अब ऑफलाइन है। तुमने वहाँ जो भी किया शिप पर काफी असर कर गया। अच्छी बात है ना? अरे इस चक्कर में रस्ट बकेट को वापस जमीन पर लाना रह गया। एक सेकंड रुको, हम लोगों को ये करने की जरूरत है। जमीन यहाँ पर है और हम यहाँ। हाँ, साथ मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये करना कैसे है? मैं समझ गया। ठीक है ग्रैंडपा, चलिए। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ बच्चों। टीम जेनिसन, कस के पकड़ना। यकीन नहीं होता, सच में मजा आ गया। सब ठीक है मेरे दोस्त, तुमने कर दिखाया। गो टीम टेनिसन। रुको, वो क्या है? मुझे नहीं पता वो बर्फ वाली चीज कहाँ से आती है, लेकिन वो सब कितना कूल था। प्यू प्यू प्यू। तुमने काफी अच्छा किया बेन। बेन, ध्यान से। कुछ गड़बड़ लग रही है। अपने नए मालिकों से डरो, सतह पे रहने वालों। किंग कॉइल को ये दुनिया चाहिए रेप्टिलियोइड्स के लिए। किंग कॉइल? ये तो वही। ये वही है जो उस लिजर्ड को लेके आया है। आराम से सिस्टर, अब हमें वो रोशनी मिलेगी जो हमें चाहिए। आखिर हम अब सतह पर हैं, लेकिन हम अपना राज शुरू कहाँ से करें? क्या ख्याल है सिस्टर, अपना राज हम वहाँ से शुरू करें? ठीक है ग्वेन, ये सच में बहुत बुरा है। अगर तुमने ये पहले सोचा होता तो। गलती मान रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा बचाया ग्रैंडपा। ऐसे ड्राइव करना कहाँ से सीखा? ओ, तुम दोनों को मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। वहाँ ऊपर। वो उस चीज को कंट्रोल में कैसे रखता है? किंग कॉइल एक स्नेक मॉन्स्टर है, डॉक्टर एनिमो नहीं, जरूर कोई और बात है। तुम सोचने में टाइम वेस्ट करना, तब तक मैं उसकी कमजोरी पता करता हूँ। नहीं बेन, तुम सही वक्त का इंतजार किए बिना कूद पड़ते हो। सब कुछ मौका और वक्त की बात है, और किंग कॉइल की कमजोरी ढूंढने की। जरूर, थोड़ा रुक जाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर दे।
सिस्टर, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम सतह पर जीत हासिल कर पाएंगे। हाँ, हुक्म मानो। समझी, उसकी आँखें, वो मॉन्स्टर की आँखों के साथ सिंक कर रहा है पहले की तरह। ये माइंड कंट्रोल है, हम उसके आड़े आए तो बात बन सकती है। बेन, मैं जानती हूँ हम किस तरह। हाँ, वो दो मिनट पहले ही निकल गया। हाँ हाँ, आँखें सुन लिया, कमजोरी वमजोरी, माइंड पार्ट सबकी कमजोरी होती है। और एक और दो। हाँ, मेरी खाल की अच्छी मसाज हो रही है। सतह पर आकर कितना मजा आता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है सिस्टर? उन्हें भगाना है, चलो उन्हें भगाते हैं। हम सबको भगा देंगे। फिकर मत करो दोस्तों, मैं नींद में भी मिस्टर सांप को हरा सकता हूँ। हमला, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, तो तरीका थोड़ा बदल देते हैं। आंखें बेन, उसकी कंट्रोल करने वाली आंखें मत भूलो। हाँ हाँ, आंखें, समझ गया। तुम पहली हो। कहाँ जा रहे हो? लोग तुमसे डर रहे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। सिस्टर, छोड़ दो उसे। क्या मुसीबत है, तुम अपने गड्ढे से बाहर क्या कर रहे हो? तुमने हमें बाहर निकाला रूप बदलने वाले, तुमने बाढ़ लाई, जमीन को नरम बनाया जिससे सिस्टर ने सतह खो दी। इनाम में मिलेगी जगह मेरे नौकर की। गुदगुदी तक नहीं हुई मुझे। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारी सवारी की, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्या कहती हो? वो तुम्हारे ठीक पीछे है। कौन? तुम? नहीं, आँख बंद करो तो मार पड़ती है, आँख खोलो तो हिप्नोटाइज होता हूँ। याद रखो, सब्र, टाइमिंग। हाँ, पहले सोचो। सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तुम मेरे लिए रुके, अक्लमंद हो, अब मुड़ो और सामना करो। तुम्हारी पहुंच सिर्फ 4 फीट की है, लेकिन मैं 10 फीट फेंकता हूँ। शांति, सुकून और सोच, मैंने तीनों कर दिए। वुहू, सब्र का बहुत फायदा हुआ ग्वेन। सिस्टर, ओ यार, ये हार क्यों नहीं मान सकता? गाइस, रस बकेट में छुप जाओ। ये लड़ाई खत्म करते हैं। मैंने एक प्लान सोचा है। आ जाओ। बेन, जो भी करने वाले हो जल्दी करो। अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं हुआ है इसे खत्म करने के लिए। बेन, अभी। अभी नहीं, सतह के नीचे वापस नहीं जाऊंगा, यही राज करूंगा। मेरी आंखों में देखो, मेरा हुक्म मानो। वक्त है तुम्हारे जमीन के अंदर जाने का। जमीन के अंदर जाओ, जाओ जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जाओ, अंदर जमीन के अंदर जाओ, जाओ जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जाओ।